इसके कपड़े का मटेरियल ना बहुत ही सॉफ्ट है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। एंड मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे को मोस्टली मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम रहता है, रिधान की भी छुट्टी रहती है। एंड आज ना पीयू के स्कूल में भी छुट्टी थी क्योंकि आज उसका पीटीएम था। आज मैं थोड़ा लेट से ही सो के उठी, फिर मैं चली गई थी जिम वर्कआउट करने के लिए और वहाँ से रिटर्न होके मैंने फटाफट से नहा लिया था। एंड अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म उड़द दाल के पकौड़े। एंड इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी। हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन उड़द दाल के पकौड़ों की ही सब्जी बनती है। मेरे पास उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा बैटर रेडी हो गया था, सो मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था। बस उसी बैटर से आज मैं पकौड़े बना रही हूँ। और यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ चाय भी रेडी है। एंड सच में फ्रेंड्स, ये वाले पकौड़े ना प्याज के पकौड़ों से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आज तो पकौड़े खा के मज़ा ही आ गया था। देखने में तो ये यम्मी लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बने थे। एंड उसके बाद चूँकि आज सुबह मैंने अपने घर की डस्टिंग नहीं की थी, तो मैं बस वही आ गई थी करने के लिए। मैं वीक के किसी भी एक दिन घर की डस्टिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे रोज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा करने से हमारा डेली का टाइम तो बचता ही है, घर भी हमेशा क्लीन रहता है। फ्लोर चाहे जितना भी क्लीन हो, अगर प्रॉपर डस्टिंग ना करो तो इधर उधर धूल दिखने लगती है एंड फिर वो बहुत गंदा लगता है। अब डेली हम डस्टिंग में ही इतना टाइम तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वीकली क्लीनिंग तो ज़रूरी है। वैसे घर में जितना ज़्यादा सामान हो, डस्टिंग में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ के सारे विंडो में तो शीशा लगा हुआ है एंड वो बंद ही रहते हैं। बालकनी का दरवाज़ा भी हम लोग हमेशा बंद ही रखते हैं, फिर भी धूल तो आ ही जाती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सारे फर्नीचर का डीप क्लीनिंग अभी कुछ दिन पहले ही किया था, लेकिन डस्ट की वजह से वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मुझे बार बार क्लीन करना ही पड़ता है। अगर घर साफ़ सुथरा हो तो देखने में तो अच्छा लगता ही है, मन को भी बहुत सुकून मिलता है। एंड अभी तो दिवाली भी आने वाली है, कहा जाता है ना कि लक्ष्मी जी भी साफ़ सुथरे घर में ही प्रवेश करती हैं। फ्रेंड्स, मुझे ना आज शॉपिंग करने के लिए भी जाना है क्योंकि हमें ख़रीदना है दिवाली के लिए कपड़े। वैसे मुझे यहाँ से कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडिया की जैसी वैरायटी तो मिलती नहीं है। लेकिन अब कपड़े ख़रीदने के लिए इंडिया तो जा नहीं सकते हैं एंड दिवाली भी आ गई है और दिवाली पर तो नए कपड़े ही पहनते हैं, तो चलिए देखते हैं मुझे मेरी पसंद का कुछ मिलता है कि नहीं। और डस्टिंग का काम कंप्लीट करने के बाद मुझे बनाना है फटाफट से लंच। और आज मैं लंच में बनाऊंगी सिंपल सी दाल चावल और हम बिहारियों का फेवरेट आलू की भुंजिया। दाल चावल भुंजिया तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट खाना है। एक तो जल्दी से बन भी जाता है एंड खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। लंच की पूरी तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली है। दाल चावल को मैंने वॉश करके रख लिया है एंड आलू की भुंजिया को भी मैंने कट करके रख लिया है। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी निकलना है। और यहाँ पे मैंने एक तरफ दाल उबलने के लिए रख दिया है एंड एक प्याज को मैंने भुंजिया के लिए कट कर लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में दो खड़े लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लिया है। लाल मिर्च को मैं हमेशा कढ़ाई में पहले ही रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं उसे वॉश करके डालती हूँ, और अगर तेल में भीगा हुआ लाल मिर्च डालो तो उसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं। बस उसके बाद मैंने कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म करके उसमें छौंके के लिए आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी डाल दिया है। आलू की भुंजिया में सरसों तेल कुछ ज़्यादा पड़ता है एंड उसके बाद मैंने उसमें कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है और एक बार उसे मिक्स करके मैंने उसमें कटा हुआ आलू डाल दिया है। आलू डालते ही हम उसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और एक बार फिर से उसे मिक्स करके हम इसे स्लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से आलू जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो ठीक से भुना नहीं पाते हैं।
और खाना बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे अपने बेडरूम के मैट्रेस का बेडशीट चेंज करना था, तो बस मैंने पहले बेडशीट को हटा के गद्दे को अच्छे से झाड़ लिया है, फिर उसके बाद ही मैं उस पर बेडशीट डालूँगी। और फ्रेंड्स, पता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे ये छुटंका कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है। अभी उसकी शरारतें आपको कैमरे में ज़रूर दिखाई दे रही होंगी। तो बेडशीट को मैंने चेंज कर लिया है एंड बेडशीट चेंज करके बेड कितना क्लीन दिखने लगता है ना, इनफैक्ट पूरे रूम का ही रंगत चेंज हो जाता है। बेडशीट को हटा के मैंने वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में रख दिया है एंड उसके बाद मुझे इस रूम के टीवी स्टैंड को भी क्लीन करना था, जो कि मैं पहले भूल गई थी, तो अब लगे हाथ मैंने उसे भी क्लीन कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं कई बार इसी तरह से खाना बनाते बनाते क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा टाइम तो सेव होता ही है, एनर्जी भी बचती है एंड यहाँ पे आलू की भुजिया भी फ्राई हो गई है, सो मैंने उसमें नमक डाल दिया है। अभी मुझे इसे और थोड़ा लाल होने तक फ्राई करना है क्योंकि मेरे हबी को बिल्कुल लाल और क्रिस्पी भुजिया पसंद है। दूसरी तरफ मेरी दाल भी कुक हो गई थी, मैंने दाल निकाल के उसी कुकर में चावल चढ़ा दिया है और आज मैं काली उड़द की दाल बना रही हूँ, जिसे मैं हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ। सो बस मैंने उसी के लिए थोड़े से अदरक लहसुन को कूट लिया है। अदरक लहसुन को कूट के डालने से ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैं दाल को मोस्टली इसी तरह से फ्राई करती हूँ और उसके लिए मैंने थोड़े से करी लीव्स, दो ग्रीन चिली और एक प्याज टमाटर को भी चॉप कर लिया है। अब कढ़ाई में 4 स्पून घी को गरम करके हम सबसे पहले उसमें 1/2 चम्मच जीरा और कुटा हुआ जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद उसमें चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और करी लीव्स डाल देंगे एंड एक बार उसे मिक्स करके हम उसमें प्याज टमाटर भी डाल देंगे। साथ ही जाएगा उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। थोड़ा चला के हम इसे ढक के छोड़ देंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक और टमाटर के सॉफ्ट होते ही हम उसमें बॉयल किया हुआ दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम उसे 5 मिनट और कुक कर लेंगे एंड फिर दाल फ्राई रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से दाल फ्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। दूसरी ओर आलू की भुजिया भी फ्राई हो गई है एंड आज का मेरा सिंपल बट बहुत ही यम्मी लंच रेडी हो गया है। जब हमारे पास टाइम कम हो और जल्दी से हमें कुछ अच्छा बनाना हो तो इस तरह से बहुत ही ईजिली खाना बनाया जा सकता है, जो बिल्कुल कम मेहनत में और कम टाइम में फटाफट बन जाता है और साथ ही खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास कल रात का थोड़ा सा पनीर भुर्जी रखा हुआ था, वो भी मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। और लंच करने के बाद हम लोग निकल लिए थे शॉपिंग करने के लिए, तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ, मैं आपको भी यहाँ के शॉप्स, जिन्हें कि यहाँ स्टोर्स कहते हैं, दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गए थे कोल्स में, जहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ऑब्वियसली कॉस्टली तो है ही, पर फीमेल्स के कपड़े मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। यहाँ के एंट्रेंस में ही खूब सारे क्रिसमस डेकोरेशन के आइटम सजे हुए थे। मन तो कर रहा था कि जैसे सभी कुछ ले लूँ, लेकिन लिया मैंने एक भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए कपड़े तो यहाँ से ले लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोग यहाँ से गए थे रॉस एंड वहाँ पे मुझे एक ड्रेस सही लगा और वो मैंने ले लिया। से निकलने के बाद मैंने वहाँ पे रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग डेकोरेशन देखा, तो मैंने उसका भी शूट कर लिया। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे इंडिया में दिवाली, दशहरे जैसे फेस्टिवल के टाइम में गलियों और चौराहे को सजाया जाता है। कल हम लोग को मार्केट से वापस आते हुए बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने रिधान के लिए क्या खरीदा है। तो यहाँ पे एक कॉटन टी शर्ट और उसके अलावा एक उलन टी शर्ट,
और ये है एक और वुलन टी शर्ट। इसके कपड़े का मटेरियल ना बहुत ही सॉफ्ट है। अभी यहाँ पे क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा वुलन कपड़ा खरीदा है उसके लिए। और उसके अलावा हम लोगों ने उसके लिए एक जीन्स और एक पैजामा लिया है। यू के लिए भी हम लोगों ने एक वुलन टी शर्ट लिया है। और एक ड्रेस, ये ड्रेस यू को बहुत पसंद आया था और हम लोगों को भी एक नज़र में ही पसंद आ गया था। और इस ड्रेस के साथ मिला है एक लॉकेट। इस लॉकेट की वजह से पीहू को ये ड्रेस बहुत पसंद आया। और मेरे हस्बैंड ने लिया है अपने लिए एक वुलन टी शर्ट। उनके पास इस कलर का कोई भी कपड़ा नहीं था शायद, इसलिए उनको ये अच्छा लगा। और मैंने अपने लिए लिया है एक ड्रेस। ये फुल लेंथ ड्रेस है और मैंने इसको ट्राई करके भी देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो एंड करूँगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे अगले नए वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।